अलग अलग जो है पेड़ों में बैठ जाएंगे ये सारे मेल्स, अभी पी यू पी यू पी यू, और पूरा जंगल में यही शोर मचे रहता है। चलिए, अच्छा वो काफर पाको कौन सा है? वो काफर पाको कोयल है, इंडियन कुकू। जितनी कहानियाँ वो सुनाएगा उतना ही खुश उसका कस्टमर होएगा। पपीहे की बात करी सर ने, पपीहा जो है एक चिड़िया है जो साउथ अफ्रीका से, वो कोयल की प्रजाति की है, साउथ अफ्रीका से आती है बरसात से तुरंत पहले, और जैसे ही वो आती है और बोलती है तो इसका मतलब क्या हुआ, बारिशें बिल्कुल आने वाली है। हाँ, वो यहाँ आएगी, यहाँ रहेगी और फिर ढूंढेगी घोंसला। दुनिया भर की जितनी कोयल हैं, जितनी भी कुकूज हैं, जितनी दुनिया में पाई जाती हैं, अपना घोंसला नहीं बनाती, अपने बच्चों को भी रियर नहीं करती, वो ढूंढती हैं। मैं जारी रखूँगा, असल में क्या है ना, फील्ड गाइड का भी मैंने कहा मेरी वाली किताब, क्योंकि मुझे पता है मेरी वाली किताब में वो कहाँ है, कोई भी नई किताब उठा दो तो मुझे थोड़ा टाइम लगेगा उसको ढूंढने में। अभी अवाबिल भी दिखी है, देखिए सर वो देखो, हाँ ये डाई मारती जा रही है, देखो स्वेलो, हाँ स्वेलो है, ये लो। ये चिड़िया आपने यहाँ खूब देखी होगी, ये वाली सर, सर ग्रे की पाई, इसकी एक बहन है, ये आवाज आई उसकी, ये देखो मैं बता रहा हूँ आपको, पहले सर की तरफ देखो, हाँ इसकी एक बहन है रूफस ट्री पाई, हाँ ये इसकी पहाड़ी बहन है, रूफस ट्री पाई की ये पहाड़ी बहन है, और ये आपको कॉर्बेट लैंडस्केप में मिलेगी, ये कॉर्बेट वाले हैं इसलिए बता रहा हूँ। और इसकी कहानी ये है कि ये इसको कहा जाता है टाइगर्स टूथपिक। टाइगर्स टूथपिक का क्या मतलब हुआ, वॉट इज द मीनिंग ऑफ टाइगर्स टूथपिक, किसे कहते हैं? दांत, जब आप मीट खाते हैं, मांस खाते हैं, या देखो बाइनोकुलर से देखो, बाइनोकुलर से देखो, ये 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 इसके साइड वाले फेदर पे, हाँ अब देख ली ना, हाँ तो इसको टाइगर टूथपिक बोलते हैं। टाइगर क्या करता है, जब टाइगर शिकार करेगा, मांस खाएगा भरपेट, 5-7 किलो कम से कम एक बारी में, हाँ अब फिर वो सो जाएगा मुँह खोल के, चिड़िया आएगी ये उसके दांतों से मांस के पीस निकालेगी, टाइगर होता है, टाइगर के दांतों की सफाई का जिम्मा इसका है ना। और जिम कॉर्बेट लिखते हैं, सिस्टर ऑफ ग्रेट रिवर, जिम कॉर्बेट लिखते हैं कि जंगल में जब आप जाएंगे तो कोई भी प्रीडेटर निकलेगा, चाहे वो लेपर्ड हो, चाहे वो भेड़िया हो, चमका वो क्या होता है, गीदड़ हो, या फिर टाइगर हो, जब भी वो निकलेगा तो पहली अलार्म कॉल, पहली आवाज़ यही चिड़िया का, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आसपास कोई रगड़ा है। और ये चिड़िया का एक और ख़तरनाक काम, ये चिड़िया अंडे खाती है और चिड़ी, और इन्होंने एक चिड़िया के इतने अंडे खा लिए कि वो चिड़िया तला, चिड़िया विलुप्ति के कगार पर पहुंच गई,
हम बया के बारे में जानते हैं। जब पपीहा जो है आ जाता है और अपना गाना शुरू करता है, लोग अंदाजा लगाते हैं कि बारिश पीछे पीछे आ रही है। वो मानसून जो जो बादल हैं उससे पहले निकल जाती है और यहाँ आके वो ढूंढती है घोंसला। किसका? कौए को? ना, कोयल। एवरी हमारे यहाँ कम से कम 7 प्रजाति की कोयल हैं। उसमें से सारी कोयल अलग अलग चिड़िया का घोंसला ढूंढती हैं। सबकी अपनी होस्ट घोंसले है। तो ये जो है पपीहा, ये ढूंढता है जो 7 बहने नहीं होती हैं, जंगल बैबलर्स, जो जो भूरे रंग की चिड़िया, हाँ घोरे भूरे रंग की चिड़िया 5-7 इकट्ठी चलती हैं। सेंटुला सर उसको भी बोलते हैं, मैना को भी बोलते हैं यहाँ पहाड़ी मैना उसको, सेंटुला। हाँ लेकिन ये अक्सर यहाँ पाई जाएगी, अभी दिखाई देगी। हाँ ये जंगल बैबलर्स हैं, 7 बहने या 7 भाई बोलते हैं, ये उसका घोंसला ढूंढती है। 6-7 उसमें चुपके से उसके घोंसले में अपने अंडे दे देती है। अब जब अंडा दे दिया और उनको पता नहीं चलता जंगल बैबलर्स को कि ये किसका अंडा है, क्योंकि 7 बहने हैं, किसने दे दिया क्या पता है नहीं, तो वो उसको पालती दे हैच इट। और जब उसको हैच कर लेती हैं वो, तो उसमें से एक अलग किस्म का बच्चा निकलता है। 3 बच्चे तो उनके जैसे और एक अलग सा। और जब वो उसको देखती हैं तो उसको देख के वो अभिभूत हो जाती हैं, उसको देख के वो पकड़ा जाती हैं बेटा, तो वो उसके बच्चे को ज़्यादा खिलाती हैं। तो उसके 3 जो बच्चे हैं उनके अपने, उसके अलावा जो चौथा ये है उसकी एडवांटेज हो जाती है, उसको ज़्यादा खाने को मिलता है। और ज़्यादा खाने को मिलेगा तो तगड़ा भी होगा, ठीक है, तकड़ा भी होगा तो एक कोनी मारता है, एक आध को और भी नीचे फेंक देता है, क्योंकि जो नीचे चला गया वो बारे में जो नहीं बचता। मैंने उनसे बोला था, वो कह रहे थे कि एक दिन मेरे घर में आ जाते हैं। जब बड़े हो जाते हैं तो ये उड़ना सिखाती हैं। 3 तो 2 तो छोटे छोटे उनके घर में, ये बड़ा मुस्टंडा के साथ साथ चलता हूँ। मैंने कुछ किताबें दिखाना चाह रहे हैं, इन किताबों को जो देना चाह रहे हैं किताबों को दिखाएंगे। फोटो खींचा हुआ है इसका और साथ साथ अगले साल वो वापस अपने अफ्रीका देश के लिए उड़ जाता है। बच्चे तो कूद कूद के जाते होंगे इसमें खाने के लिए, वो पहचानते नहीं तो कहाँ जाएंगे? नहीं जब लगते होंगे तो तब तो दिखते ही होंगे, लगते मर जाते हैं। काफला पेड़ है, देखो ध्यान से देखो क्या है, कैसा है। किसी किसी भी लगते भी नहीं है, बहुत सुंदर पेड़ है काफल का। देखो ज़्यादातर गांव के लोग क्या करते हैं कि इसकी जो छाल जो है ना, हाँ इसकी छाल को सुखा के, हाँ उसका चूर्ण दिया जाता है। अच्छा, जब मूर्छा आ जाती है ना बिल्कुल, ओके उसमें मूर्छा रंत एकदम। तो काफल जो है वो फल बहुत कम बूदे वाला फल होता है, पर बीपी के लिए सबसे बढ़िया है, लेकिन बहुत हाइपरटेंशन बीपी में भी मेडिसिनल्स में बहुत तगड़ा है। वहाँ हम लोग अभी अभी मई में पका था तो खूब खाए हम। ये फल का कुछ देर बाद जाके ज़मीन में चली जाती है नीचे टेलीपैथिक चैनल्स में, फिर निकलती हैं। फिर एक नदी जो है, जैसे आसन क्लेमेंट टाउन से पैरेलली पहाड़ों के यमुना की तरफ जा रही है, वैसे ही क्लेमेंट टाउन से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सुशवा। सुशवा में वो आगे जाके शामिल हो जाती हैं और इतनी मोटी धारा फिर गंगा जी में चली जाती है। तो अगर ये धाराएं समाप्त होती हैं तो गंगा के पानी में भी कमी आती है और यमुना के पानी में भी कमी आती है। ये पेड़ जो है एटमॉस्फेयर से नमी सोखता है और नीचे